हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन हियर इन विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 8वां पार्ट है। इसके पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आपके बीएचयू, बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग हम लोग की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज वहां पे आपको अवेलेबल है। तो जाइए, जाके डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, या फिर आप लोग सीधे प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां पे बीकॉम का प्रीवियस ईयर पेपर है, एम कॉम का प्रीवियस ईयर पेपर है एंड सिलेबस नोट्स सब कुछ वहां पे फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग वहां पे हम लोग की डेमो टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं जो कि सिर्फ 1 रुपए की है। बहुत जल्दी अपनी प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मीटिंग्स ऑफ कंपनी। ठीक है, अब मीटिंग्स ऑफ कंपनी क्या होता है, कितने टाइप्स की कंपनी होती है। अगर आप लोग एम कॉम एंट्रेंस के हैं तो आपको कंपनी लॉ में इसको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है कि आपका एम कॉम एंट्रेंस बहुत अच्छे से कवर होता चलेगा। ठीक है, कंपनी लॉ में आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, मीटिंग ऑफ कंपनी चार होती है, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। ये चार मीटिंग्स होती है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स दोस्तों, एक होती है स्टैच्यूटरी मीटिंग। ये क्या होती है, अब पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये अब नहीं होती है, पहले होती थी अब नहीं होती, बट हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जैसे ही कमेंसमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ये फर्स्ट मीटिंग होती है उस कंपनी की। ठीक है, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, बट नॉट अयर देन 1 मंथ, बट 1 महीने के पहले नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है, कंपनी जैसे ही कमेंसमेंट बिजनेस का सर्टिफिकेट पाएगी तो उसके 6 महीने के अंदर ये मीटिंग हो जानी चाहिए, कम से कम 1 महीने के बाद। ठीक है, 1 महीने के बाद और 6 महीने के पहले ये मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्टोरी मीटिंग आर दी फर्स्ट जनरल मीटिंग, नॉर्मली इसको फर्स्ट जनरल मीटिंग कहा जाता है दोस्तों, बट अब ध्यान रखिएगा, ये मीटिंग अब नहीं होती है, इसको हटा दिया गया है, कंपनी एक्ट 2013 में इसको एबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, बट क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए, यूजली इसको फर्स्ट जनरल मीटिंग भी कहते हैं। इट इज कंडक्टेड ओनली वंस, पूरे जिंदगी भर में कंपनी की एक बार होती है, वंस इन अ लाइफ टाइम, कंपनी की जो लाइफ टाइम में बस एक बार होती है ये मीटिंग। ठीक है, अब तो होती नहीं वैसे भी, बात खत्म। अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल नीड नॉट टू कंडक्ट स्टोरी मीटिंग। अगर भैया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जिनका शेयर कैपिटल ही नहीं है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि नो शेयर कैपिटल, कितने टाइप की कंपनी होती है, तो जिनका नहीं है उनको ये इस मीटिंग कहीं ही नहीं है। दिस सेक्शन इज अबॉलिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब नहीं होती ये, आपसे पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों दूसरी शेयर होल्डर की, दूसरी ये शेयर होल्डर की मीटिंग पहली थी, अब दूसरी मीटिंग वो शेयर होल्डर की है, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 मंथ्स का गैप होता है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 मंथ्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, 12 महीने का होता है, बट 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है, तो मिला के 12 3 तो हो जाएगा आपका 15 मंथ का। ठीक है, तो एजीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है ये, कंपनी के एंडिंग में, साल के अंत में जो मेन बिजनेस होता है उसको डिस्कस किया जाता है, यूजुअली हेड वंस ही नहीं है, हर साल होती है ये। एजीएम शुड बी कनेक्टेड बाई बोथ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, सब लोग करता है, वेदर लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई गारंटी, हैविंग नो शेयर कैपिटल, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एजीएम शुड बी डन विद इन 9th month फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब है, अगर आज आपकी बिजनेस, सपोज मान लीजिए 31 मार्च 2020 है, तो आज आपका फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग हुआ है, तो आज से 9 महीने के अंदर आपकी फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। ठीक है, सब्सिक्वेंट उसके बाद जो एजीएम होगी, उसके बाद जो एजीएम होगी वो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग के 6 महीने के अंदर, पहला 9 महीने के अंदर, दूसरा 6 महीने के अंदर, साल खत्म होने के बाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके 21 डे बिफोर नोटिस रिगार्डिंग, आपको जिसको नोटिस मीटिंग बुलाना है उसको 21 दिन पहले नोटिस देना होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों शेयर होल्डर की तीसरी मीटिंग, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टोरी मीटिंग एंड एजीएम आर ऑर्डिनरी मीटिंग, इनको ऑर्डिनरी मीटिंग कहा जाता है, ऊपर की जो दो थी, और अदर मीटिंग जो और अदर मीटिंग होती है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज यूजुअली डन फॉर सम अर्जेंट बिजनेस स्पेशल पर्पजेस, कुछ अर्जेंट कामों के किया जाता है, जिसको हम लोग टाल नहीं सकते एजीएम तक। एजीएम के अंदर मेन मेन डिसीजन लिया जाता है दोस्तों, बट कुछ हम लोग टॉपिक को टाल नहीं सकते हैं, जिसको हमको तुरंत करना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरी मीटिंग के ऊपर, कैश मीटिंग। दोस्तों ये क्या होती है, कैश मीटिंग आर दोस मीटिंग विच आर हेड बाई दी शेयर होल्डर पर्टिकुलर कैश, कुछ पर्टिकुलर कैश के शेयर होल्डर, जैसे प्रिफरेंस शेयर होल्डर, इंडिविजुअल प्रिफरेंस शेयर होल्डर, ये लोग अपनी मीटिंग करते हैं। तो दोस्तों
चार तरीके से होता है मीटिंग्स होती है, आप लोगों ने पढ़ लिया। एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि दो एजीएम के बीच में आपका क्या बोलते हैं 15 मंथ का गैप होना चाहिए। पहली एजीएम 9 मंथ के अंदर हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में, दूसरी वाली जो होती है उसकी आप कंपनी की मीटिंग 6 महीने के अंदर होनी चाहिए, 21 दिन की नोटिस। ठीक है, एजीएम शुड बी कनेक्टेड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, चाहे वो कोई भी हो, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है। और ये एज अर्जेंट कामों की होती है। ठीक है, अब आते हैं मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये कहाँ आ गए हम लोग? ठीक है, हम लोग आते हैं मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर और ऑल्सो कॉल्ड बोर्ड मीटिंग दोस्तों, इसको बोर्ड मीटिंग भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग को बोर्ड मीटिंग भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली हेड मीटिंग्स ऑफ कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी को जो चलाते हैं उनकी मीटिंग है ये। ठीक है, उसके बाद विद इन कॉर्पोरेशन फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 दिन, कंपनी के इन कॉर्पोरेशन होते ही, ठीक है, विद इन कॉर्पोरेशन आपको 30 दिन के अंदर इस मीटिंग को कर लेना है। ठीक है, कम से कम 7 महीने में मिनिमम 4 मीटिंग तो होगी ही होगी, मिनिमम 4 गारंटी होगी। उसके बाद 7 डे की नोटिस देनी पड़ती है आपको, पहले बाई हैंड दीजिए, बाई पोस्ट दीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको क्या बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग को बोर्ड मीटिंग भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के फर्स्ट क्या बोलते हैं 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, एक साल में कम से कम 4 मीटिंग होगी ही होगी, 7 दिन का नोटिस बाई हैंड, बाई पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब आते हैं मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स दोस्तों, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग होती है। डिबेंचर ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास कंडक्ट दिस मीटिंग, कुछ क्लास के डिबेंचर इस मीटिंग को कहते हैं। जैसे क्यों कहते हैं? अपने राइट्स को मॉडिफाई करने के लिए, सपोज चाहते हैं भैया उनका इंटरेस्ट घटा दें, बढ़ा दें, उनको कन्वर्टेबल डिबेंचर में कन्वर्ट कर दें, इन सब के वो मीटिंग करते हैं। ठीक, अब आते हैं मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर सही से बात किया जाए तो ये मीटिंग कंपनी की नहीं होती भैया, क्रेडिटर्स की मीटिंग कंपनी मीटिंग नहीं कही जाती है। देन व्हेन, ये तब भी हो सकती है जब कंपनी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंपनी का अमाइगमेशन हो रहा है, एक क्या मर्जर हो रहा है, इन सब केसों में भी कंपनी की मीटिंग होती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और टॉपिक्स भी हैं दोस्तों। नंबर ऑफ डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर होंगे 2, मैक्सिमम 15, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। अगर 15 से ज्यादा बनाना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है 3/4 या फिर 75% मेजोरिटी मान जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 51% कंपनी के अंदर मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है, मैक्सिमम भी 1 ही होता है। 1 फीमेल डायरेक्टर कंपनी के अंदर कंपलसरी है, ओपीसी की कोई जरूरी नहीं है। अ पर्सन कान बी मोर देन 13-20 कंपनी, एक इंसान एक बार में 20 कंपनी से ज्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को नौकरी पे कौन लगता है भैया? सबसे पहले जो पहला डायरेक्टर कंपनी का होगा, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो गया है दोस्तों। ठीक है, जो पहला डायरेक्टर होता है कंपनी का उसको अपॉइंट करता है प्रमोटर है, जब तक कि पहली एजीएम नहीं हो जाती है। तो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट बाई प्रमोटर टी फर्स्ट एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग तक की। उसका दोस्तों जो डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है उनको हमेशा रिटायर किया, कुछ डायरेक्टर को रिटायर किया जाता है। देखिए कुछ डायरेक्टर तो होते हैं जो लाइफ टाइम के होते हैं, कुछ को रोटेशन से रिटायर किया जाता है हर साल, हो सकता है कि उनको वापस अपॉइंट कर लिया जाए, पर ये डिपेंड करता है। ठीक, तो जो पहला डायरेक्टर होगा फर्स्ट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग। उसके बाद बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एट द फर्स्ट एजीएम द फर्स्ट डायरेक्टर इन अदर केसेस 1/3 या फिर आउट ऑफ 3/2, उसमें क्या होता है रिटायर हो जाते हैं तो इनको दोबारा नौकरी पर रखा जाता है। न्यू डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई कंपनी, कंपनी में रहती है इन जनरल मीटिंग बाई पासिंग इस सेपरेट अलग से नियम पास करके अलग अलग से। ठीक है, तो पहला डायरेक्टर जो करेगा प्रमोटर, दूसरा डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनको कंपनी करेगी जनरल मीटिंग के अंदर, जो रिटायर होते हैं रोटेशन से उनको भी दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद अपॉइंट बाई दी डायरेक्टर बाई कंपनी, ठीक है, इफ फर्स्ट डायरेक्टर इज नॉट अपॉइंट बाई कंपनी, अगर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, अगर फर्स्ट डायरेक्टर प्रमोटर अपॉइंट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो कंपनी अपॉइंट करती है। उसके बाद अगर कंपनी नहीं कर पाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, पहला डायरेक्टर कहेगा प्रमोटर, अगर वो नहीं कर पाए तो कंपनी, कंपनी नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट कर देगी। ठीक है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो 5 साल के अपॉइंट किया जाता है, एंड इसको आप दोबारा ये अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक, ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या बोलते हैं, कितने साल के अपॉइंट किया जाता है, एंड इसको ये अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, देखिए आपका ये टॉपिक्स खत्म हो गया है, हम लोगों ने मेंबर्स का क्या बोलते हैं ये मीटिंग देख लिया एंड डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट देख लिया। दोस्तों मेन टॉपिक बचा हुआ आपका वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपको टॉपिक को समझ के जाना, वो बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए एक ऐसी वीडियो आएगी एंड बहुत जल्दी वीडियो आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बहुत जल्दी आपकी वो वीडियो भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।